सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल माय सुपर बाइट्स को, जो कि एक मल्टी फैसेटेड चैनल है। इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट बाइट्स जैसे कि स्टडी बाइट्स, हॉरर बाइट्स, हेल्थ बाइट्स, टेक बाइट्स, फनी बाइट्स एंड पॉजिटिव बाइट्स, टीवी एंड फिल्मी बाइट्स मिलेगी। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल माय सुपर बाइट्स के स्टडी बाइट्स में। पिछले वीडियो में हमने बात की थी अरावली पर्वतमाला के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है पूर्वी मैदान, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूर्वी मैदान जो सबसे अधिक उपजाऊ क्षेत्र है, क्योंकि सारी नदियों द्वारा जो लाई गई मिट्टी होती है वही इस मैदान में फैली हुई है। पूर्वी मैदान में, पूर्वी मैदान ऐसा है जिससे अधिकांश जितनी भी नदियां निकलती है वो सारी बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं अधिकतर नदियां। और ज्यादातर इस मैदान में जितनी भी नदियां बहती हैं वो सब अरावली से निकलती हैं और फिर मध्य प्रदेश से होती हुई राजस्थान में आती है। इस मैदान को भी, पूर्वी मैदान को भी पढ़ने की दृष्टि से और भूगोलवेत्ताओं ने तीन भागों में विभाजित किया है, जो कि कुछ इस प्रकार है। एक को कहा है चंबल बेसिन, दूसरे को बनास बाणगंगा बेसिन और तीसरे को माही बेसिन। सबसे पहले जानते हैं चंबल बेसिन क्या है। जैसा कि नाम से ही पता है, चंबल बेसिन, चंबल और उसकी सहायक नदियों द्वारा इस मैदान का निर्माण हुआ है। और ये चंबल बेसिन है, इसका विस्तार सवाई माधोपुर, धौलपुर, कोटा, बूंदी और करौली में है। ये चंबल बेसिन है, ये कृषि की दृष्टि से बहुत ही उपजाऊ नहीं है, क्योंकि इस मैदान में जो चंबल बेसिन है, इस मैदान में अवनालिका अपरदन होता है। अवनालिका अपरदन क्या होता है? इस अपरदन के कारण मैदान में बीहड़ बन जाते हैं, जो कि ऊपर नीचे उबड़ खाबड़, और खेती के लिए समतल भूमि चाहिए होती है। तो अवनालिका अपरदन के कारण इस मैदान का निर्माण हुआ हुआ है, तो जमीन ऊपर नीचे होती है, तो ये खेती के लिए लाभदायक नहीं होती है। और इन उबड़ खाबड़ बीहड़ जो बन गए हैं उन्हें जाना जाता है, जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, जिन्हें डॉग के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा चंबल बेसिन है, उसमें गहरे बीहड़ों का निर्माण भी हो जाता है बहुत ज्यादा पानी के कारण, अवनालिका अपरदन के कारण। तो जितने गहरे बीहड़ होते हैं उन्हें भी किसी नाम से जाना जाता है, जिसे बोला जाता है खादर। चंबल बेसिन में कुछ गहरे बीहड़ होते हैं, उन्हें खादर के नाम से जाना जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सर्वाधिक बीहड़ों का विस्तार कहाँ पे है, तो यहाँ चंबल बेसिन का विस्तार है जहाँ पे। तो इसमें एक प्रमुख जिला है धौलपुर, जहाँ पे सर्वाधिक भीड़ों का विस्तार है। और इन भीड़ों में कई बार डाकू छुपते भी है, क्योंकि ये देखने में थोड़े से दिखते नहीं है दूर की दृष्टि से, तो इसलिए भीड़ों का सर्वाधिक विस्तार धौलपुर में है। तो पहला था चंबल बेसिन, जो कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर में फैले हुए हैं। दूसरा नाम है बनास बाणगंगा बेसिन। ये बनास बाणगंगा बेसिन है वो धौलपुर, भरतपुर, अलवर, दौसा और जयपुर के पूर्वी भाग में आते हैं। और यह बनास बाणगंगा का जो बेसिन है, चंबल के बजाय अधिक उपजाऊ है और सबसे ज्यादा सरसों उत्पादन इसी क्षेत्र में होता है। और इसके अलावा एक नदी है सावी नदी, जो अंतःस्थलीय प्रवाह वाली नदी है। अंतःस्थलीय प्रवाह वाली नदी है सावी, जो बारिश में अचानक बाढ़ के रूप वाली जानी जाती है, एकदम से इसमें बाढ़ आ जाती है। इसलिए सावी नदी को एक नाम दिया गया है, अलवर का शोक। अलवर का शोक किसे कहते हैं, किस नदी को अलवर के शोक के नाम से जाना जाता है? सावी नदी। इसके अलावा जो बनास बाणगंगा बेसिन है वो किससे बना हुआ है? बनास और उसकी सहायक नदियों द्वारा, इसलिए इसका नाम है बनास बाणगंगा बेसिन। ये कृषि आराम से उपजाऊ, कृषि आराम से होती है, उसमें उपजाऊ क्षेत्र है ये। तो इस बनास बेसिन को दो भागों में बांटा गया, उत्तरी बनास और दक्षिणी बनास। अब देखते हैं, पहले सबसे पहले यहाँ से क्वेश्चन आता है उत्तरी बनास। उत्तरी बनास बेसिन को मालपुरा करौली का मैदान भी कहते हैं, दूसरा नाम मालपुरा करौली का मैदान उत्तरी बनास बेसिन को कहते हैं। और ये जो उत्तरी बनास बेसिन है, ये सबसे ज्यादा इमारती पत्थरों के लिए जाना जाता है ये मैदान। ज्यादातर यहाँ से पत्थर आते हैं इमारती, जैसे केला देवी, हिंडौन, करौली, इनमें लाल बलुआ पत्थर
बहुत मिलते हैं और लोग बहुत लाल बलुआ पत्थर वहां से लाते भी हैं। तो इसीलिए उत्तरी बनास में सिंह को इमारती पत्थरों के लिए जाना जाता है और ये मालपुरा करौली का मैदान भी कहते हैं। दक्षिणी बनास में सिंह का भी एक अन्य नाम है मेवाड़ का मैदान। दक्षिणी बनास में सिंह को मेवाड़ का मैदान भी कहते हैं और दक्षिणी बनास में सिंह है ये गिरिपदीय मैदान का उदाहरण है। ये ध्यान रखना है, यह मैदान गिरिपदीय जिसे पेडमांट भी कहते हैं उस मैदान के उदाहरण है। तो ये चंबल बनास, बाणगंगा और तीसरा है माही बेसिन। माही बेसिन नाम से ही पता चल रहा है माही और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है इसी मैदान को माही बेसिन के नाम से। लेकिन माही का जो मैदान है उसे प्रतापगढ़ में अन्य नाम से जाना जाता है, वो है कांठल। माही के मैदान को प्रतापगढ़ जगह है वहां पे कांठल के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ से बहुत क्वेश्चन उठते हैं कि माही के मैदान को छप्पन के मैदान के नाम से भी जाना जाता है, तो माही मैदान को छप्पन का मैदान के नाम से क्यों जाना जाता है? इसीलिए जाना जाता है क्योंकि माही बेसिन में आते हैं डूंगरपुर बांसवाड़ा। डूंगरपुर बांसवाड़ा जो जगह है वहां माही बेसिन में छप्पन नदी नाले आके मिलते हैं। छप्पन नदी नालों का संगम होता है या फिर छप्पन गांव समूह मिलते हैं, इसलिए माही बेसिन को छप्पन का मैदान के नाम से भी जाना जाता है। और ये माही बेसिन है ये कृषि की दृष्टि से बहुत ही उपजाऊ मैदान है। यहाँ पे सिंचाई होती है इसके पानी से और इसीलिए इस उपजाऊ जमीन के कारण ही यहाँ पे सबसे ज्यादा सर्वाधिक चावल का उत्पादन किया जाता है। इसलिए राजस्थान में जो सर्वाधिक चावल का उत्पादन क्षेत्र है वह भी बांसवाड़ा में ही है, जो इसी क्षेत्र में पड़ता है डूंगरपुर बांसवाड़ा। इसके अलावा जो माही नदी है, माही बेसिन है, इसकी सहायक नदियां हैं, इन्हीं सहायक नदियों में एक नदी है सोम नदी, जिस नदी पर सोम कागदर परियोजना भी चलाई जा रही है। और इसके अलावा सोम कमला अंबा परियोजना भी निर्मित है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। सोम कमला अंबा परियोजना और सोम कागदर परियोजना किन नदियों पर स्थित है? सोम नदी पर। इसके अलावा इनकी सहायक नदियों में जाखम नदी पर जाखम बांध बनाया है तथा माही नदी पर जो मुख्य नदी है उस माही नदी पर माही बजाज सागर परियोजना चलाई जा रही है। और इसके अलावा एक प्रमुख बांध जिसका नाम है कड़ाना बांध, कड़ाना बांध जो कि गुजरात में स्थित है, कड़ाना बांध भी माही नदी पर ही निर्मित है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो माही बेसिन में थोड़ा सा ध्यान रखना है कि माही बेसिन में कौन कौन से बांध बने हुए, कौन कौन से उसकी सहायक नदियां हैं। इसके अलावा चौथा जो प्रमुख भाग है वो है दक्षिणी पूर्वी पठार, जिसे राजस्थान के पठार के नाम से भी जाना जाता है, दक्षिणी पूर्वी पठार। और ज्यादातर इस पठार का जो अधिकांश क्षेत्र है वो हाड़ौती में होने के कारण इस पठार को एक और अन्य नाम से जाना जाता है, जो कि हाड़ौती पठार। यह पठार भी जो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का पठार है, कृषि की दृष्टि से बहुत ही उपजाऊ है, सबसे ज्यादा नदियां भी इस क्षेत्र में प्रवाहित होती हैं और यह अरावली पर्वतमाला से एक महान सीमा भ्रंश द्वारा अलग होता है। इस पठारी भाग में दो मुख्य रूप से दो भाग बने हुए हैं, एक तो विंध्यन का पठार और एक दक्कन का पठार। कई बार पूछा जाता है विंध्यन का कहाँ, तो ये धौलपुर करौली में है और यह भी इमारती पत्थरों के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ पत्थर होता है लाल बालू का पत्थर। यहाँ पे जो पत्थर है इनमें लो ऑक्साइड के कारण इन पत्थरों का कलर या रंग लाल हो जाता है। दूसरा है दक्कन का पठार। दक्कन का पठार कहाँ स्थित है? कोटा, झालावाड़, बारा और बूंदी में है। और जो इसी दक्कन पठार में बूंदी की जो पहाड़ियां है वो अर्धवृत्ताकार रूप में स्थित है, इसलिए इन बूंदी की पहाड़ियों को आड़ावला के नाम से भी जाना जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है आड़ावला के नाम से किसे जाना जाता है? आड़ावला के नाम से बूंदी की पहाड़ियों को जाना जाता है। इसके अलावा इस क्षेत्र में जो दक्कन का पठार है इसमें मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां में मिलती है, जो कि कोटा व झालावाड़ में स्थित है, क्योंकि मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां बहुत फेमस है क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान मुकुंदरा हिल्स है। इसके अलावा दक्षिणी पूर्वी पठार या राजस्थान के पठार में एक ऊपरमाल का पठार है। कई बार पूछा जाता है ऊपरमाल का पठार कहाँ पर है? ऊपरमाल के पठार का विस्तार बिजोलिया से भैंसरोड़गढ़ तक है। इसके अलावा यहाँ पे जो मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां हैं उसमें जो बूंदी के पठार हैं उन्हें डाबी के पठार के नाम से भी जाना जाता है। ये जो दक्षिण का पठार है इस क्षेत्र में ज्यादातर काली मिट्टी, क्योंकि लावा बहुत निकलता है, लावा निर्मित काली मिट्टियों का विस्तार है और लावा निर्मित जो काली मिट्टी होती है वो हमेशा कृषि के लिए उपजाऊ होती है। तो इस प्रकार से दक्षिणी पठार है राजस्थान के पठार का विस्तार है। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके के और वीडियो चाहते हैं तो हमारे इस चैनल माई सुपर बाइट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।